बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको कि कद्दूकश कैसे करें कैरी को। मैंने दो कैरियाँ ली हैं। सबसे पहले पीलर से हम कैरी का छिलका उतारेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको सिखा चुकी हूं कि मशीन से हम कद्दूकश कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी हाथ से कद्दूकश कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने कैरियों को छील लिया है, अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। अगर आपको अचार बनाना है या मीठी चटनी बनानी है, मुरब्बा बनाना है सेब का, तो 10 मिनट के अंदर ये इजीली कद्दूकश हो जाता है। बहुत इजी होता है इससे कद्दूकश करना और तकरीबन हर घर में होता है ये सबके पास। आलू को आप कद्दूकश कर सकते हैं, गाजर को कर सकते हैं, कैरी को कर सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे होते हैं जिनको आप कद्दूकश कर सकते हैं। चटनी बनाएं, अचार बनाएं या मुरब्बा बनाएं, इजीली आप इस तरह से कद्दूकश करके बनाएं। जब कैरी बिल्कुल कद्दूकश हो जाएगी तो उसकी गुठली को आप या तो फेंक दें या फिर आप जब नेक्स्ट डे दाल बनाएं तो उसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत मज़े की दाल बनती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।